रहने की कोई जगह नहीं है और कोई दो तो तीन तीन दिन से सोया नहीं है। और हमारे रात को मेन हमें रात को रहने की जगह इसलिए चाहिए क्योंकि रात को -3 से -10 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है जो बिल्कुल अनबेरेबल है। और हम सब इमरजेंसी में आए हैं तो रेगुलरली सब एक जैकेट में आए हैं, अंदर जनरली सबके टी शर्ट है या तो नीचे ट्राउजर्स है या जीन्स है। या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज जय हिंद जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है जो भी देख रहा है इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं अब खातिर में रह रहा हूँ। और अभी यहाँ का सिचुएशन बहुत धीरे धीरे क्रिटिकल हो रहा है। एक मैं जिस मेट्रो स्टेशन में हूँ उस मेट्रो स्टेशन के ऊपर से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। एक से लड़ रहे हैं और हमको पता नहीं है हम कभी यहाँ से निकल पाएंगे। हम जिस मेट्रो स्टेशन में अभी यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी ने अंदर आकर और चारों गेट जो भी गेट होता है हमारे मेट्रो स्टेशन के अंदर जितने भी गेट हैं सारे को सील कर दिया है। हम ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं, 24 आवर्स के लिए पूरा मतलब हम कहीं नहीं निकल सकते।